रायपुर से बड़ी खबर है, जहां संविदा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आज जेल भरो आंदोलन करेंगे कर्मचारी, हरेली पर्व पर अनोखा प्रदर्शन करेंगे ये सभी संविदा कर्मचारी, गेड़ी में चढ़कर जेल जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से, जहां हरेली पर्व पर अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। संविदा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। गेड़ी में चढ़कर ये सभी जेल जाएंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल में अपनी मांगों को रखेंगे। जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, संविदा कर्मियों की अनोखी हड़ताल चल रही है। हरेली पर्व पर यह प्रदर्शन चल रहा है और अब देखना होगा कि क्या विरोध के इन तरीकों के बाद सरकार इनकी मांगों के लिए झुकेगी या फिर सरकार हाथ मिलाकर इनसे कुछ मध्यस्थ रास्ता निकालेगी। देखना दिलचस्प होगा। संविदा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। छत्तीसगढ़ एवं विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ और तमाम जो भी इनके महासंघ है, उन सभी ने मिलकर फैसला लिया है अनिश्चितकालीन जो कर्मचारी हैं उनकी मांगों को उठाने का, और इन्हीं मांगों को लेकर ये सभी जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, गेड़ी में चढ़कर हरेली पर्व के दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। घटना स्थल पर, धरना स्थल पर मोहम्मद हसन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हम सीधा उनका रुख करेंगे। हसन, क्या कुछ चल रहा है और क्या मांगे हैं प्रमुख तौर पर, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं बीते 4 वर्षों में बार बार संविदा कर्मी हड़ताल कर रहे हैं, क्या कोई मध्य का रास्ता नहीं निकल पा रहा, अड़चन आ रही है, अभी क्या इनकी मांगे? जो 45,000 से ज्यादा उन्होंने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो है वो आह्वान कर दिया। और नवा रायपुर के सूत्र पर तमाम के कर्मचारी, वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग जिलों के अलग अलग विभागों के कर्मचारी जो है वो यहाँ इकट्ठा हो गए और जेल भरो आंदोलन जो है वो आज किया जाना है। आपको बता दें, इसके पहले भी संविदा कर्मचारियों ने अलग अलग तरीके से अपना प्रदर्शन किया, सामूहिक इस्तीफा दिया, लेकिन आज हरेली त्यौहार है और आप देख सकते हैं हरेली त्यौहार वाले दिन भी जो संविदा कर्मचारी वो किस प्रकार से यहाँ पर हरेली त्यौहार के दिन भी पहुंचे हुए और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। एक सूत्री मांग है निमित्तीकरण को लेकर के पूरा प्रदर्शन है और आज गेड़ी भी जो है वो ये लेकर के यहाँ पर धरना स्थल में लेकर आया है। आपको दिखा दूं, इस गेड़ी पर चढ़कर जो जेल भरो आंदोलन है वो किया जाएगा। हमारे साथ संविदा कर्मचारियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज नए तरीके से आंदोलन को जो है नई रूपरेखा दी जा रही है, क्या तैयारी है, किस प्रकार से प्रदर्शन करेंगे? देखिए, ये हमने पिछला जो सोमवार था 10 जुलाई, उस समय ही हमने ज्ञापन जो था, हमारा ज्ञापन नहीं लिया गया था, तो उसी समय हमने कहा था कि हम 17 जुलाई को हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। इस संबंध में सरकार को भी हमने सूचित कर दिया था, परंतु इस बीच आज तक सरकार के माध्यम से किसी भी प्रकार की बातचीत की ना कोई पहल की गई, ना ही हमसे किसी प्रकार की हमारी मांगों पे कोई संज्ञान लिया गया। सामूहिक इस्तीफा भी दे दिए, कोई बातचीत हुई है सरकार से अब तक? अभी सामूहिक इस्तीफा और जल सत्याग्रह के बाद भी किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है। सरकार का रुख पूरी तरह से नकारात्मक हो रहा है संविदा कर्मचारियों की मांगों को लेकर। जैसे 4 साल पहले स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। हम मजबूर है आज इस त्यौहार में, जब पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सहित पूरा प्रदेश खुशियां मना रहा है, प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष भी, आपको बता दूं नीतीश यहाँ पर भी पहुंचने वाले, आप लोगों को सूचना आई होगी, प्रतिपक्ष भी पहुंचने आप लोगों को समर्थन? जी हाँ, एक सूचना आई है कि नेता प्रतिपक्ष जी आ रहे हैं। विपक्ष अगर आता है, विपक्ष तो हम उसका स्वागत करते हैं और विपक्ष जैसे आप अपनी भूमिका निभा रहा है वो निभा रहा है, लेकिन मेरा निवेदन है कि जो सत्ता पक्ष है बिल्कुल तो असल विपक्ष आता है तो उसका स्वागत रहेगा। इन अपनी मांगों को लेकर ये लगातार सरकार के सामने अपना रुख रख रहे हैं, बार बार मांग कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार क्या इनसे मांग मानती है, क्या इनसे हाथ मिलाती है, कोई मध्य का रास्ता निकाला जाता है या मध्य प्रदेश की तर्ज पर कुछ किया जाता है। फिलहाल आप नजर बना के रखें, हम आपसे फिर